ये फोन भेज देना। तो अभी दोस्तों तस्वीर कुछ ऐसे है, शादी हो गई और मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये है अशोक जी और नए नए हमारे वो समधी जी बने सगा जी। अब जो लास्ट में एक और रस्म रह जाती है वो है पूठ मोड़ा या फेर मोड़ा जिसे हम बोलते हैं। तो आज एक बार फिर से हम जाएंगे भाई के ससुराल। सर्दी को नहीं, शादी के अंदर टाइम नहीं मिला पानी वगैरह पीने का। यार एक ऊपर वो लगाया नहीं, टाइम ही नहीं था, नींद पूरी नहीं आई। तो भाई दोस्तों शादी होगी कंप्लीट और उसके बाद में आज शेरवानी रिटर्न करने के लिए आए हैं। ये भाई साहब है रजवाड़ी बीकानेर में, यहाँ से हम लोग जो शेरवानी लेके गए थे और साफा भी इन्होंने जाके बांधा था। क्या नाम बताया था आपको? विकास छिपा जी। विकास छिपा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उसके बाद में हम लोग रात को पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि जवाई जो रात को जब तारे दिखने लग जाते हैं तब फेर मोड़ा के अंदर पूठ मोड़ा या वापस जब जाते हैं ससुराल तब आना चाहिए। तो उस समय पहुंचे और संयोग से आज जो है वो भाई के जो साले साहब हैं, साले जी हैं अशोक जी, उनका जन्मदिन था। तो हम जाते समय केक भी लेके गए, उपहार भी लेके गए और जाने के बाद में बर्थडे सेलिब्रेशन किया। केकल अलग बात यार, छोटी मेरी ले उसे लाठी देखो। थैंक्स टू सुब जर्नी मर्करी से बोला। नंबर नंबर तो कंप्लीट है सरकारी वाले। ना ना मंटन दो यानी एकदम ना सिद्ध रामचंद्र ही नहीं। हमारे यहाँ पर फेर मोड़ा या पूठ मोड़ा के अंदर खूब हंसी मजाक होती है और एक तरह से शादी की थकान जो है मिट जाती है सगा संबंधियों से मिल करके। और खाने पीने के बारे में आपको बताऊँ, हम लोग मीठा ही मीठा क्यों खाते हैं या क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में खास तौर से मुझे पता है, जहाँ तक बाकी राज्यों का तो नहीं पता, देसी घी की मिठाई बनाते हैं। प्योर गाय का जो बिलोने का घी होता है इकट्ठा करके और उस घी की मिठाई बनाते हैं। मिठाई में कभी भी मोल का घी, दुकान वाला या तेल ये सब इस्तेमाल नहीं करते और मीठा भी कम रखते हैं। तो ये खाने में बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें प्योर चीज़ है पूरी की पूरी। बाकी बाजार की मिठाई हमारे यहाँ भी लोग नहीं खाते, कम ही खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। घर की मिठाई होती है तब जो इस तरह से लाड प्यार से बड़ी बड़ी थालियाँ लेकर के और एक दूसरे को खिलाते हैं प्यार से। तो इससे इसकी इसी बहाने जो हंसी मजाक भी खूब हो जाती है।
ਕੇ ਜੂਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇ ਲੈ ਕੁਝ ਬਾਪੜੀ साहब तो बिठ लेता नहीं यहां के दो सी तो लो मुंडो ही टमाटो दी गसार कर एक और सरका दियो मैं सोचा तो मैं ऊपर बुझे आपने रेडियो बाकी अगले दिन फिर जो है वो हम सब सुबह सुबह इस तरह से यहाँ पर जितने भी परिवार के घर हैं काका ताऊ दादा इस तरह से तो उन सब के घर जा रहे हैं और एक रस्म होती है खोपरा देने की वही जो है वो ये दोस्तों हम लोग फेर मोड़ा पूठ मोड़ा या रामचंद्र जैसे बोल रहे हैं मेंढा जाकण आए हुए हैं और इसके अंदर हमारे ऐसे सभी जगह नहीं लगभग जगह जगह पे है ऐसा रीति रिवाज है कि जितने परिवार के घर होते हैं हाँ बैंट दी जाती है परिवार के जितने भी घर हैं उनमें जाके एक खोपरा और उसके अंदर कुछ बैंट दी जाती है ऐसे जितने भी साल ले आते साले जी होते हैं साले जी होते हैं साले साहब होते हैं उनको इस तरह से बैंट दी जाती है और ये जो है रस्म मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये तो एक बहाना है मिलने का इससे क्या है कि सभी घरों में आना जाना हो जाता है मिल लेते हैं बस कई जगह आते हैं सास संधि हो गई हो सके कई जगह सास सुन और दे तो तांगे नेक्स्ट है तो सब घरों पर इससे वजह मेन तो बस है और इस तरह से सारे परिवार के घर लगभग आप 15-20 मतलब दादा के चाचा के दादा के दादा के दादा के काका के दादा के भाई के काका के उनके जो बच्चे जितने अलग अलग हुए हैं तो उन सबको दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों गांव का सबसे पुराना मंदिर है ठाकुर जी का कितना साल पुराना 250 साल पुराना और आके शिला लेख है क्या मेरी ले ले कई सारे फोर्ट में भी देखिए उतरे कौन जल्दी चिकनी बहुत है अभी तो मैंने देखो पानी कितना पहला साफ हो आदमी चरित्र शर्त क्या चीज की है तुम के 2 साल के हाँ रुपया का देते पार्टी कर लिया चार रुपये पहले कैंसिल पहली नाग जो बात ये करो बाद नानो पर जी ये कर मुआ दिया हां नानो कैसे वो जोड़ जोड़ में ले जा के रे कैसे लो ही वा एक जोड़ पर से पानी वा भी मुआ दिया हम कुन दियो तो साफ करनो पड़ सी कुन भी हम तेरा जे गुंडा जो ये करो गुंडा ठीक है
जवाई राजा के लिए अब जब गीत गा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं, और हमारे जैसे साथ में जो सगे संबंधी होते हैं उनको जो महिलाएं गीतों के बहाने गालियां देती है, तो प्यार से जो गालियां देती है ये भी एक रस्म है और बहुत अच्छी लगती है। इस बहाने हंसी मजाक भी हो जाती है। ससुराल से जब भी जवाई राजा जाते हैं, विदा होते हैं, तो तिलक लगा करके ही विदा किया जाता है। ये रस्म है इस तरह से, और साथ में जो होते हैं उनको भी। और एक रस्म रह गई थी, ये जो जूते छुपाने वाली थी, शादी के अंदर हुई नहीं, और शायद या मौका नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि पूरा ध्यान रखा था जो साथ में बीन राजा के थे, और इस बार जो जूते छुपा लिए। तो अब ये जूते छुड़ाने और छुपाने वाली नोक जों के साथ रस्म चल रही है। मौसम ही डाबड़ लग रही नहीं बहुत।